एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक्स, राइट। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्राई कैच ब्लॉक्स विथ एग्जांपल, हमने कवर किया था। अगर जहां आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस, राइट। चलिए हम बात करते हैं ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक्स के बारे में। देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है मैंने, पहले थ्योरेटिकल समझ लो फिर प्रैक्टिकल हम समझेंगे, ठीक है। मल्टीपल कैच ब्लॉक्स टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है, दैट मे बी थ्रोन इन अ ट्राई ब्लॉक। क्लियर है पॉइंट? ईच कैच ब्लॉक इज एसोसिएट विथ अ स्पेसिफिक एक्सेप्शन टाइप। आई होप क्लियर है, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, अ ट्राई ब्लॉक कैन हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक्स। मल्टीपल कैच ब्लॉक्स आर यूज टू कैच डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। क्लियर है पॉइंट? चलिए ट्राई कैच क्या होता है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, अगर जहाँ आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो। चलो यहाँ पे देखो, मैंने ट्राई के अंदर सिंटेक्स लिखा है, ट्राई कोड विच मे थ्रो मल्टीपल एक्सेप्शन। आप यहाँ पे वो चीजें राइट करोगे, ठीक है, जो मल्टीपल एक्सेप्शन थ्रो करेगा। एंड देन यहाँ एक्सेप्शन जो आता है तो कैच में क्या करेगा, कैच के पास भेज देगा। अब कैच यहाँ पे देखो, हमने सपोज को ट्राई के अंदर हमने एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को, बेसिकली इस टाइप के एक्सेप्शन आएगा उसको भी मेंशन किया है हमने। अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी आ सकता है, वो भी इसके अंदर मेंशन किया है। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए हम लोग अलग अलग कैच ब्लॉक्स बना देंगे, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? तो ये देखो मल्टीपल कैच ब्लॉक्स है, आई होप क्लियर है, ठीक है। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल समझते हैं, हम लोग दो तीन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर वन, तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ। फाइल का नेम दे दिया मैंने यहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल डॉट जावा, ऐसा कुछ दे दिया नेम। आप भी कुछ दे सकते हो फाइल का नेम, ठीक है। देन क्लास बना लिया मैंने, क्लास का नेम दे दिया मैंने मल्टीपल कैच ब्लॉक ब्लॉक्स, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। कुछ भी दे सकते हो आप क्लास का नेम, ऐसा नहीं कितना लंबा चौड़ा देना है, ठीक है। देन हमने यहाँ पे मेन मेथड, अब हमें क्या करना है, अगर जहाँ यूजर से इनपुट करवाना है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लो स्कैनर क्लास को, ठीक है। कुछ चीजें आप इस यूजर से इनपुट कराना चाहते हो तो स्कैनर क्लास को भी ले लो। चलो ले लेते हैं हम लोग। चले अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, मैंने इंपोर्ट कर लिया। चलिए अब मुझे क्या करना है कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन का पहले मैं यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या करूंगा, एक्सेप्शन अकर होगा उस चीज को मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, है ना। तो आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हो तो आप बना लो यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। चलिए हम बना लेते हैं, देन सिस्टम डॉट इन। क्लियर है? अब यहाँ पे हमने क्या किया, ट्राई ब्लॉक के अंदर यहाँ पे एक यूजर को मैसेज देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हमने यहाँ पे दे दिया इंटर अ नंबर, कोई नंबर इंटर करने के लिए, ठीक है। एंड देन जैसे यूजर इंटर किया, हम ए वाले वेरिएबल में या यहाँ पे नंबर नंबर नाम के वेरिएबल में हम क्या करेंगे, स्टोर करा लेंगे, ठीक है, जो इंट टाइप का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंट आप मेथड यूज करोगे। क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे दे दिया मैंने 10 डिवाइड बाय नंबर, जो भी नंबर में वैल्यू आएगा उसके साथ डिवाइड करना है, ठीक है। और दूसरा ले लेता हूं मैं यहाँ पे एरे का इंट, एरे का नेम ले लेता हूँ यहाँ पे ए डबल आर, एरे टाइप का ले लेता हूँ, और इक्वल टू इसमें मैंने 10, 20, 30, 40 ऐसा मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर करा दिया एरे के अंदर, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे गेट करने की कोशिश कर रहा हूँ वैल्यू। पोजीशन नंबर हम एरे का बता देते हैं कि 5 नंबर इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। अब 5 नंबर इंडेक्स है इसके अंदर, देखो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 तक ही है, तो आपका एरर आएगा, ठीक है। क्लियर है? ये दो जो हमने दिया अर्थमेटिक और एरे वाले, आप मल्टीपल दे सकते हो, इसके लिए हम कैच ब्लॉक लगाएंगे। तो हम यहाँ पे कैच ब्लॉक सबसे पहले अर्थमेटिक के लिए लगा लेते हैं, अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई, अगर जहाँ एक्सेप्शन आएगा तो प्रिंट करवा देना है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ।
ई अभी जस्ट प्रिंट करवा रहा हूँ, एक्सेप्शन आएगा तो एक्सेप्शन को ही, ठीक है। और दूसरा कैच ब्लॉक लगेगा आपका एरे इंडेक्स, एरे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंस एक्सेप्शन, यहाँ पे दे देता हूँ ए, डबल ई दे देता हूँ, कुछ भी दे दो, ठीक है। एंड देन इसको भी यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ई रेफरेंस वेरिएबल हमने प्रिंट करा दिया, क्लियर है, डन। अब चलिए इसको चलाते हैं, हम लोग देखते हैं। एक चीज याद रखना, ये जो अर्थमेटिक, अगर चाहे यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा तो रेस्ट ऑफ दी जो ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड है ना वो नहीं चलेगा, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आता अर्थमेटिक में, देन ये वाला ब्लॉक, ये वाला कोड रेस्ट ऑफ दी कोड वाला जो है उसके बाद वाली कोड एरे वाला चेक करेगा, ठीक है। चलिए चेक कर एक बार चला के देख लेते हैं हम लोग। मैं कंपाइलर ओपन कर लिया, मेरा फोल्डर है सीडी डेस्कटॉप पे, तो मैं डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ, सीडी जावा नाम का फोल्डर है, जावा, देन जावा सी, मेरे फाइल का नेम है मल्टीपल मल्टीपल डॉट जावा। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एरे इंडेक्स हमारा यहाँ पे मिसिंग है, एरे इंडेक्स बेसिकली एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, यही होता है ना। चलिए हम थोड़ा सा चेक कर ले भाई, मिस्टेक तो नहीं हो रहा, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए गूगल ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, तो हमने तो यही लिखा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, हमने क्या लिखा है भाई, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन ई। तो एरर क्या आ रहा था हमारा, एरर आ रहा है एरे, तो एरे में क्यों एरर आ रहा है हमारा, हमारा यही तो है, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, स्पेलिंग तो सेम है ना, एरे इंडेक्स बाउंड ऑफ एक्सेप्शन। चलिए इसी को मैं कॉपी करके एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। ले यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, चल सेम चीजें था आई थिंक, कोई गड़बड़, चलिए सेम था, अब हो सकता है किसी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, चलिए ठीक है, कंपाइल्स फाइन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जावा एंड देन ये क्लास का नेम जो हमारा है, मेरा क्लास का नेम थोड़ा लंबा चौड़ा है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आप शॉर्ट नेम दे देना। चलिए अब देखो, इंटर नंबर हमने यहाँ पे 0 इंटर किया तो क्या आ रहा है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन मतलब ये वाला चला, अब ये वाले मतलब यहाँ एरर आ गया अर्थमेटिक पे तो ये वाला तो कोड चलेगा ही नहीं, क्लियर है पॉइंट। अब फिर से चलाता हूँ, अब यहाँ पे दे दिया मैंने 2, तो देखो 10/2 हो जाएगा तो आपका तो ये चल जाएगा, देन आपका एरर आएगा एरे वाले, देखो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया आपका 5, बिल्कुल अब आया एरे इंडेक्स ऑफ बाउंस एक्सेप्शन, क्लियर है पॉइंट, इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंस 4 लेंथ, ठीक है 4, क्लियर है पॉइंट, ये एरर आ रहा है। मतलब ये देखो इस तरीके से आप ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक्स दे सकते हो, आप ऐसा नहीं कि मैंने एरे दिया अरिथमेटिक दिया, और भी दे सकते हो आप, मल्टीपल दे सकते हो, जैसे मैं एक और दे के दिखा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा दीपक और इसके साथ हम कैर एट लगा देते हैं और मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। अब 10th यहाँ पे है ही नहीं कोई, देखो टोटल कैरेक्टर 6 ही है, 0 से लेके स्टार्ट होगा 5 तक इंडेक्सिंग, तो यहाँ पे मैंने 10 दिया, तो आपका अगर जहाँ इस पे एरर नहीं आएगा तब ये वाला चेक होगा। अभी मैं दे दिया इंडेक्स नंबर 2, 2 पे 30 है, अब इसमें भी एरर नहीं आएगा तो ये चेक करेगा, इसमें भी एरर नहीं आएगा तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, और इसमें एरर आएगा तो ये वाला आपका एरर आ रहा है, तो इसके लिए भी कैच ब्लॉक यहाँ पे डिक्लेयर कर दो, है ना, कैच ब्लॉक, और ये है आपका स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ पे आप प्रिंट करवा दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस को प्रिंट करा दो, क्लियर है। चलिए फिर से कंपाइल करके देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है, सॉरी
पहले कंपाइल करो, कंपाइल्स फाइन। अब मैंने यहाँ पे टू इंटर किया, तो टू इंटर किया तो देखो 5 अर्थमेटिक, तो एरर कोई एरर नहीं आया। आपका ये दूसरे नंबर पोजीशन पे 30 है, ये भी प्रिंट कर दिया। अब कहाँ पे एरर आ रहा है आपका, आ रहा है ये वाले जो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे करेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखो स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक्स। आई होप क्लियर है किस तरीके से हैंडल हो रहा है, किस तरीके से हम लोग राइट कर सकते हैं। तो जितने भी कैच ब्लॉक है सबके लिए अलग अलग एक्सेप्शन हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए इस पॉइंट को याद रखना, कई बार पूछा गया है कि अगर जहां अर्थमेटिक पे फर्स्ट में ही एक्सेप्शन आ जाएगा तो कोई भी कैच ब्लॉक यहाँ पे फिर नहीं चलेगा, सिर्फ अर्थमेटिक का एक्सेप्शन प्रिंट हो जाएगा। अगर जहां हैंडल हो गया तब आपका, देखो अगर जहां हैंडल हो गया, सपोज करो एग्जाम्पल नंबर 2, देखो अब मैंने यहाँ पे जो एक्सेप्शन आया और यहाँ पे मैंने कर दिया 10/2, ऐसा कोड, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन आया, चलो फिर से हम इसको कंपाइल करते हैं, एक्सेप्शन 0 आया, तो देखो यहाँ तो प्रिंट हो गया। देखो यहाँ पे 0 जैसे आया तो आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया। इसके बाद ये जो एक्सेप्शन आया तो ऊपर भी ये रेस्ट वाला नहीं चला, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा तो ये वाला तो कोड आपका चलेगा ही नहीं चलेगा, रेस्ट ऑफ द कोड विल नॉट एग्जीक्यूटेड, राइट। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, जब रेस्ट ऑफ द कोड नहीं चलेगा तो कैच ब्लॉक भी नहीं चलेगा इसका, ठीक है। आई होप क्लियर है, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब यहां पे देखो ये सारे चीजें मैं हटा देता हूं और मैं 2 ही लेता हूं, चलिए इसको भी हटा देता हूँ, शॉर्ट कर लेता हूँ, समझ गए आप। चलिए अब मैं यहां पे लिख दिया, इस जगह पे यहां हटा के लिख दिया एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब मैं फिर से कंपाइल करता हूं, तो एक चीज याद रखना, ये जो है ना अर्थमेटिक जो एक्सेप्शन है ये चाइल्ड है, चाइल्ड क्लास किसका, एक्सेप्शन का, ठीक है। एक्सेप्शन जो है आपका पेरेंट क्लास कहलाता है, तो चाइल्ड टू पेरेंट आपका हैप्पली चलेगा, क्योंकि पेरेंट के अंदर तो सारे एक्सेप्शन है, अर्थमेटिक भी है, स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन भी है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन भी है, सारा एक्सेप्शन पेरेंट के अंदर है ना। तो यहाँ पे आपका आएगा, देखो यहाँ पे मैंने कंपाइल किया, चल गया, यहाँ पे 2 जैसे इंटर किया तो ये प्रिंट हो गया, ये भी प्रिंट हो गया। अगर जहाँ यहाँ पे एरर आएगा तो यहाँ पे दे दिया 5, तो यहाँ पे देखो इस एरर पे इंडेक्स नंबर 5 पे वैल्यू है ही नहीं, तो ये वाली जो एक्सेप्शन के अंदर ही आपका क्या है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, ये पेरेंट क्लास है, ठीक है, तो आपका वो एरर प्रिंट होगा। देखो अर्थमेटिक पे एरर नहीं आएगा, तो एरर नहीं आया, देखो आया, आपका प्रिंट हुआ ना एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्लियर है पॉइंट। तो आप ये भी ऐसे भी बता सकते हो, जो एक्सेप्शन होता है वो पेरेंट होता है, बेसिकली पेरेंट क्लास सारे एक्सेप्शन का, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 3, अगर जहां मैं यहां पे लिख देता हूं एक्सेप्शन और यहां पे लिखता हूं अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो इस केस में आपको आएगा एरर, क्योंकि पेरेंट के अंदर तो ऑलरेडी ये सारे एक्सेप्शन, अगर जहां एक्सेप्शन आएगा यहां तो प्रिंट हो जाएगा, तो ये तो आपने डिक्लेयर किया चाइल्ड, उसके बाद तो पेरेंट टू चाइल्ड नहीं होता है। देखो फर्स्ट डे आपका एरर आएगा, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अर्थमेटिक हैज ऑलरेडी ऑलरेडी बीन कैच, मतलब ये इसके अंदर ही डिफाइंड है, तो आप फिर कैसे लिख सकते हो, ठीक है, क्या, क्योंकि एक्सेप्शन तो पेरेंट क्लास है, इसके अंदर तो सारे चाइल्ड क्लास आ गया, चाइल्ड एक्सेप्शन, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये चीजें याद रखिएगा, तो ये चीजें पूछा गया है कई बार, ये है एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। तो आप आज हमने डिस्कस किया 3-4 एग्जाम्पल, ठीक है, ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक्स, आई होप क्लियर होगा आप लोग को, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ आएगा, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना, क्लियर है। आज हमने डिस्कस किया ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक्स, राइट, इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, ठीक है। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।